हेलो फ्रेंड्स, लेट्स हैव द डिस्कस ऑफ एनटीए टीपीसी मॉक टेस्ट पेपर। हालांकि क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। आप लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक किया करिए। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ the concentrations of the soil solute is low than the absorption of water? Okay, concentration ज़्यादा है और low, okay, solutes low than the absorption of water, okay, जब concentration high होगा तो absorption की rate जो होगी water की वो decrease करेगी। अगर concentration कम है तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन से वो बढ़ जाएगा, यानी कि लो, यहाँ दिया कंसंट्रेशन ऑफ द सॉयल सॉल्यूट इज लो, ओके, देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो इसलिए इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ बोटेनिकल गार्डन इज इट इज एसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स मेंटेन्ड फॉर बोथ पेवर एंड अप्लाइड स्टडीज। क्वेश्चन थर्ड, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, आफ्टर डाइजेशन विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम सेल्फ लाइगेशन बाय ट्रीटिंग विद एल्कलाइन फॉस्फेटेस। करेक्ट, केमिकल नाइफ्स ऑफ डीएनए एज द इंडो न्यूक्लियस। ओके, इंडो न्यूक्लियस और एक्सो न्यूक्लियस बोथ आर टू टाइप्स, न्यूक्लियस आर टू टाइप्स, यानी इंडो न्यूक्लियस और एक्सो न्यूक्लियस, लाइक एज रिस्ट्रिक्शंस इंडो न्यूक्लियज। फिर अकिमेरिक डीएनए इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जनरेटेड बाय लाइगेटिंग सेगमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। करेक्ट, बट ऑप्शन नंबर डी, द मेथड इन विच बैक्टीरियल सेल्स टेक अप डीएनए फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स आफ्टर अ हीट शॉक इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शंस। नो, क्वेश्चन फोर, ड्रग लाइक चरस एंड गांजा अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इज चरस एंड गांजा आर प्रोवाइडेड अ प्लांट ऑफ कैनाबिस, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनॉइड। क्वेश्चन नंबर फाइव, आइडेंटिफाई द गिवन ट्रेड बाय स्टडाइंग द गिवन पेडिग्री। यहाँ पर मेल फीमेल है, उसकी पेडिग्री देखिए मेल इन्फेक्टेड है, तो इसलिए एक्स लिंक डोमिनेंट, फीमेल आर इन्फेक्टेड, ओके, मेल फीमेल। मेल फीमेल आर इन्फेक्टेड टू, ओके, करेक्ट। बट क्वेश्चन नंबर सिक्स, 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोपस प्रोड्यूसेस 25 टन्स प्रोटीन पर डे, द रीजंस बिहाइंड दिस हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शंस। क्वेश्चन नंबर सेवन, फंगल हाइफी फ्रॉम सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स कॉल्ड माइकोराइजा। ओके, इन व्हाट एस्पेक्ट्स डज माइकोराइजा नॉट हेल्प मोस्ट प्लांट? ओके, इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर एट, आई थिंक नॉट, ओके,
not, okay, but tolerance is to salinity and drought, okay, enhancing its resistance to root pathogens, enhancing its phosphates uptake capacity. But option number D is not correct. Question number 8, if fossils X is older than fossils Y, then the deductions which can be made of X was found deeper in sediments than Y. Question number 9, what does biopiracy mean? Biopiracy, okay, everybody know about biopiracy. Using unethical means is medicine, okay. Exploitations of bioresources without authentic permissions, this is biopiracy. Question number 10, which material is generally used for soundproofing of rooms like a recording studio and auditorium etc.? Styrofoam का यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डस नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस अकर्स हानी भी. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच बैरियर मेथड्स आर यूज्ड फॉर बर्थ कंट्रोल एंड आल्सो टू प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग वेनरल डिजीज, ओके, निरोध एंड सर्वाइवल कैप्स एंड डायफ्राम. Question number 13, out of the following, so which one represents male gametes, pollen grain? Question number 14, in the ecological pyramid, base is occupied by producers. Question number 15, species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles. ये question हालांकि मैंने कई बार करवाया. क्वेश्चन नंबर 16, द स्ट्रोमा ऑफ ओवरी इज डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके, स्टोमाटा आर मोर इन द लीफ एबाक्सियल सरफेस ऑफ द डाइकोटिलेडंस, दिस इज करेक्ट, एबाक्सियल मींस लोअर सरफेस. क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम सोमोनेरा, करेक्ट, फिर मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया सो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्वेश्चन नंबर 19, हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, बट डिफिकल्ट नहीं, इसमें जो प्रिंटेड है ये थोड़ा मिस कन्फ्यूजिंग है. बात करते हैं यहाँ पर ग्लाइकोसूरिया की. ग्लाइकोसूरिया में होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ओके. फिर बात करते हैं यहाँ पर रीनल कैलकुली की. रीनल कैलकुली में होता है मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट विद इन द किडनी, जिसको कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं. फिर बात करते हैं सी की, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आइटिस जब भी वर्ड आता है तो समझ लो स्वेलिंग के लिए है. तो एकोमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड जॉइंट्स, नो, हाँ, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलाई, दिस इज करेक्ट. गाउट में होता है एकोमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स. क्वेश्चन नंबर 20, लीव्स आर अटैच्ड टू स्टर्नम. क्वेश्चन नंबर 21, रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस अदर देन देयर नॉर्मल फंक्शंस, द इमेज गिवन बिलो, यानी कि प्रॉप रूट लटक रही है इसमें, बिलो इंडिकेट्स द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स, चूज द रॉन्ग ऑप्शन, ओके, द स्टिल्ट रूट ऑफ रेड मैंग्रोव हेल्प्स इन ब्रीथिंग. हाँ, स्टिल्ट भी रूट है इसमें देखने को मिल रही, बट सम जो हैंगिंग कर रही है वो प्रॉप रूट है. द रूट सिस्टम इज हाईली इंटेंगल्ड ह्यूज एंड एक्सटेंसिव अंडर द वाटर, करेक्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स सच एज स्मॉल फिशेस क्रस्टेशियंस सी हॉर्सेस एक्सेट्रा फाइंड शेल्टर इन दिस रूट सिस्टम, करेक्ट, बट बिसाइड्स प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट दिज रूट्स आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेटिक फंक्शंस इन द प्लांट नॉट फॉर द सिंथेसिस, हालांकि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. क्वेश्चन 22, व्हिच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ईसोफेगस कॉर्निया एंड वेजाइना, नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. क्वेश्चन नंबर 23, स्टडी ऑफ वूंड्स एंड एक्सीडेंट सीजेस केसेस इज नोन एज ट्रॉमेटोलॉजी, हालांकि लिखा होता है ट्रामा सेंटर. क्वेश्चन नंबर 24, एन एल्गा, एल्गा यानी कि सिंगल एल्गी सिंगुलर फॉर्म.
एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग क्लोरेला. क्लोरेला के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर यूनिसेल और नॉन मोटाइल एल्गे एंड यूज एज अ सिंगल सेल प्रोटीन. फिर दे हैव क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स आर मेन पिगमेंट. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज. दे हैव स्टार्च एज रिजर्व फूड मटेरियल. फिर दे हैव अ मोटाइल फेस टू इन विच दे आर टू इक्वल फ्लैजेला. क्वेश्चन 25. एपिकल डोमिनेंस इन हायर प्लांट इज बिकॉज ऑफ बैलेंस बिटवीन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. क्वेश्चन 26. हु ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स दैट फॉर्म द टीसू ऑफ प्लांट्स. मैथियस सिल्डन. क्वेश्चन 27. मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड इन C4 प्लांट्स इन द सेल्स ऑफ मेसोफिल. क्वेश्चन 28. मेनी स्पीसीज ऑफ फंजाई डक्टाइला डक्टाइलेरिया आर्थ्रोबोट्राइटिस एंड जूफेगस कैप्चर्स इंसेक्ट्स निमेटोड्स एंड अदर वॉर्म लाइक एनिमल्स. दीज फंजाई आर प्रीडेटरी. क्वेश्चन 29. विच ऑफ देयर दीज आर साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स. कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस. क्वेश्चन 30. फिल इन द ब्लैंक्स विद इन द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस. ओके. डायफ्राम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. नो. डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. दिस इज करेक्ट. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल फॉर फ्रेनिक मसल. दिस इज करेक्ट. एब्डोमिनल मसल्स डायफ्राम. नो. क्वेश्चन 31. ओके. ब्लड आर बी सी हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रिप्रेजेंटेशन आर सो केप्ट इन द सोल्यूशंस एंड ट्रीटेड सो दैट इट बिकम्स इन साइड आउट. ओके. दैट विल बी पोलैरिटी ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाय लेयर इन दिस सेल्स. हालांकि NCERT में स्पेस बेस डायग्राम दिया हुआ है. हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक अगर जो रिप्रेजेंट उससे एम्फीबोलिक कहते हैं पाथवे जो कि RBC शो करता है. क्वेश्चन 32. इन एनाफेस फर्स्ट क्रोमोसोम्स मूव टू रिस्पेक्टिव पोल्स. क्वेश्चन 33. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच रिगार्डिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. माउथ. सर्टेन ड्रग्स आर री एब्जॉर्ब फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ टंग एंड म्यूकोसास. माउथ. लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सम मिनरल्स एंड ड्रग्स. फिर स्टमक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सिंपल सुगर्स एंड एल्कोहल. करेक्ट. बट कोलन प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. नो. क्वेश्चन 35. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय आयन पंप्स. क्वेश्चन 36. द लोकेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज इन सेला टर्सिका. क्वेश्चन 37. एंजाइम्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन 38. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके. द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम डज नॉट हैव गॉब्लेट सेल्स. दिस इज नॉट करेक्ट. बट द फूड मिक्सड थ्रूली विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाई द चर्निंग मोमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वाल इज कॉल्ड काइम. दिस इज करेक्ट. क्वेश्चन 39. डिटरमाइन द रेशियो ऑफ राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो सीड इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस 1:1. F2 बोला है. फिर क्वेश्चन 40. इफ द Neanderthals are not the direct ancestors of humans age, it is still possible for humans and Neanderthals to be related. Yes, because we share a common ancestor. Question 41. The thickness of ozone over poles changes with the seasons being lowest in Antarctica autumn.
क्वेश्चन 42, विच डिजीज हैज़ सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोफोबिया, रेबीज। इसमें पेशेंट क्या होता है, उसको वाटर से बहुत डर लगता है, वाटर के पास जाने से वो चिल्लाता है और किसी भी इंसान को देखकर वो कुत्ते की तरह आवाज़ निकालता है। क्वेश्चन 43, मालफिजियन सेल्स आर मैक्रोस्क्लेरेट्स। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट अ सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। प्रोलैक्टिन्स नहीं है, हालांकि HPL, HCG एंड प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस को सिक्रेट करता है प्लेसेंटा। और इस पर लगभग हर साल को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी NEET 2020 में भी आपकी इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन 45, द मेन पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स। क्वेश्चन 46, थॉर्न्स विच आर यूज फॉर क्लिंबिंग आर प्रजेंट इन बोगनविलिया। क्वेश्चन 47, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू एंड फॉल्स क्लाइमेक्स कम्युनिटी एंड चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंगली। ओके, इट इज़ द लास्ट कम्युनिटी इन बायोटिक सक्सेशन, ट्रू। ओके, इट इज़ लेस स्टेबल दैन ट्रांजिशनल कम्युनिटीज, फॉल्स। इट इज़ नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट ऑफ दैट एरिया, ट्रू। इट हैज़ अ सिंपल फूड चेन एंड फूड वेब्स, फॉल्स। क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज रिलेटेड टू एलिमेंट्री कैनाल येट हैज़ नो फंक्शंस इन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन 49, ओव्यूल ऑफ पाइनस कैन बी कॉल्ड इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। क्वेश्चन 50, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA इज सिमिलर टू विच स्ट्रैंड्स ऑफ DNA एक्सेप्ट, छोड़ के ओके, यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थायमिन, उसकी जगह पे कोडिंग स्ट्रैंड, इसको एक्सेप्ट करके ओके, एंटीसेंस स्ट्रैंड, ओके, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्वेश्चन 51, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म फॉलो सिग्मोइड कर्व, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज। हालांकि जो लॉग फेज है, लैग फेज, लॉग फेज जो इस पर एक डायरेक्ट सीधे NCERT में हालांकि दिया हुआ है, और इस पर NEET 2020 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था लॉग फेज से रिलेटेड, फर्स्ट लैग, लॉग, स्टेशनरी, एक्सपोनेंशियल को लॉग फेज बोलते हैं। क्वेश्चन 52, विच ऑफ द फॉलोइंग्स विल नॉट लीड टू वेरिएशंस अमंग सिबलिंग्स, नॉट, ओके, लिंकेज, इज नॉट, म्यूटेशंस, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, ये रिलेट कर दें। क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पॉपुलेशंस एट्रीब्यूट, नेटैलिटी को नहीं करते हैं, डेथ रेट, एज रेशियो, सेक्स रेशियो। हालांकि इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था NEET 2020 में। क्वेश्चन 54, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट इसको हम कर लेते हैं, जैसे कि ए दिया है, ए है लायन, यानी कि ये पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, इसको बोलते हैं शायद बंगाल टाइगर, नो नॉट फॉर बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर इज अ थर्ड, बट राइनोसिरोस, राइनोसिरोस सेकंड, यानी कि ये करता है काजीरंगा नेशनल पार्क से, बट जो ए दिया है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है गिर फॉरेस्ट गुजरात को, ओके, और यहाँ पर जो हिरन दिया है, डियर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क असम को, फिर जो सी दिया है जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, क्वेश्चन 55, पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट। क्वेश्चन 56, गटेशन इज फेवर्ड बाई हाई रूट प्रेशर्स एंड लो ट्रांसपीरेशंस। हालांकि जो जो वो होते हैं लीफ लीफ के
जो साइड पोर्शन है उसमें ड्रॉपलेट टाइप की जो ड्रॉप दिखाई ड्रॉप्स सुबह सुबह देखो दिखाई देती हैं, वही वही गटेशन फेज होती है। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज ऑड वन आउट रिगार्डिंग प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन 58, विदिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरी फर्स्ट इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटो एक्साइटेशंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ओके। क्वेश्चन नंबर 59, वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ट्रायूब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू चालाजा इन कैजुराइना। क्वेश्चन नंबर 60, द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स इन एंजियोस्पर्म्स टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 61, इथेनॉल इज मेड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड बाई एन एंजाइम्स नोन एज एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। क्वेश्चन नंबर 62, द टेक्निक इन विच स्पर्म्स इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू इग साइटोप्लाज्म इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 63, इफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाई कार्पेल सिनकार्पस ओवरी विद द पैराइटल प्रेजेंटेशन को। क्वेश्चन नंबर 64, फ्लोटिंग ब्लड क्लॉट इज एम्बोलस। क्वेश्चन नंबर 65, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इन द टर्म ऑफ एनर्जी इज एक्सप्रेस एज किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मेनी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आर प्रेजेंट इन 5x174 बैक्टीरियोफेज 5386 यानी 5386 न्यूक्लियोटाइड आर्सिन। क्वेश्चन नंबर 67, ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट इज प्लियोट्रॉपी। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पिट्यूटरी ड्वार्फ एंड थायरॉयड ड्वार्फ। थायरॉयड ड्वार्फ है मेंटल रिटार्डेशन को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ओके इनकरेक्ट इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम। करेक्ट, द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन्स ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस इज करेक्ट, बट ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन डिक्रीजेज द केम वैल्यू ऑफ एंजाइम्स फॉर द सबस्ट्रेट। दिस इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। क्वेश्चन नंबर 71, इन अ डिप्लॉइड सेल्स व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए एट द एंड ऑफ G2 फेज 4C। क्वेश्चन नंबर 72, डेवलपमेंट विच फ्रीड लैंड वर्टिब्रेट्स फ्रॉम वाटर वाज क्रेडोएगिक्स। क्वेश्चन नंबर 73, ए पर्सन विद एड्स इज प्रोन टू इन्फेक्शंस बाय टॉक्सोप्लाज्म फिर न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई उसके बाद माइकोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन शोज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ कोहर्ट्स, थैलेमी फ्लोरा कैल्सी फ्लोरी डीसी फ्लोरी इनफेरी, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू NTA। क्वेश्चन नंबर 75, नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम्स ऑफ ब्रेन इज सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन द वेंट्रिकुलर प्रेशर इज लो दीज वाल्व्स गेट क्लोज्ड सेमिलुनर वाल्व्स। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज अ कोलेग कोग व्हाट इज दिस क्लोग एंड कॉज कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर। कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन वो प्रोसेस होती है कि जब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स अगर फिल हो जाती हैं तो उसको पूरा विद द हेल्प ऑफ सर्जरी उसको काट के निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 78,
membrane system considered to be extensors of enfolded plasmolemma is ER in endoplasmic reticulum. Question 79. The earthworms, insects and snails are protostomes. Question 80. Before a carbohydrate is utilized as an energy source, it gets first converted into monosaccharide. Question 81. Before a carbohydrate is utilized as an energy source, it gets first converted into monosaccharide. Question 82. On a global scale, all the earth terrestrial biomes and aquatic ecosystem constitute the biosphere. Question 83. Statement first and recent assertions and reason. Linear system of animals classification is essentially an artificial system, yet it has become a natural system. This is correct. Similarities forming the basis in linear systems are indicative of genetic relationship. This is also correct. ये दोनों correct हैं और जो reasons है assumptions को correct explain भी कर रहा है. Question 84. Which one of the following pairs is wrongly matched while remaining three are correct? Cri-du-chat syndrome, deletions of long arm, fifth chromosome, chronic myelogenous leukemia translocation. This is correct. Criss-cross inheritance, colors blindness, Christmas disease, hemophilia B. Question 85. Venations is a term used to describe the patterns of arrangement of veins and veinlets in a lamina. Question 86. Animatic flagellum is found in Cryptomonas. Question 87. ELISA is used to detect disease such as HIV, where the key reagent is alkaline phosphatase. Question 88. Eustachian tube help to equalize pressures on both sides of tympanum. Question 89. How many of the following statements are correct with respect to genetic code? The codon is read in mRNA in a contiguous fashion. Correct. One codon does not overlap the next codon. No. The code is nearly universal. Correct. Ochre, amber, opal. R terminator codon yani UAA, UAG, UGA. Only tryptophan and methionine as specified by a single codon. This is correct. Sorry, correct. Question 90. Golgi bodies are matched with for acrosome sperm se. Phir rough endoplasmic reticulum kya karta hai? Rough endoplasmic reticulum secretory proteins ko secrete karta hai. फिर माइक्रोटिब्यूल्स क्या करता है? माइक्रोटिब्यूल्स हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. स्फीरोसोम्स करता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स. इस प्रकार आपके 90 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको शेयर करें, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग भी इस चैनल के बारे में जाने. प्लीज़ हेल्प मी. और हालांकि मैं बहुत जल्द कम समय में 90 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं विद सॉल्यूशंस. हालांकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ना तो अभी टाइम बचा है, ना तो मैं करना चाहता हूं, क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा. आई होप आप लोग समझ रहे होंगे. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो.